ऐसा है ये। दो मैडम यहाँ मजे से कार्टून देख रहे हैं और हम लोग बाहर, ये है मेरी मेहनत का पसीना। तो लड्डू गरम गरम, इतने लड्डू कंप्लीट हो गए हैं मेरे। बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मौसम का हाल तो बहुत ही बुरा हो रखा है, एकदम से धूप आ रही है, एकदम से बारिश आ रही है। इस बार लगता है बरसात बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। सुबह से यहाँ पे जो है बारिश थी और अभी हल्की हल्की धूप लगी है, लेकिन बादल जो है वो बहुत गरज रहे हैं। तो मैं भी सारा काम निपटा के अपना वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो फाइनली मैंने ले लिया है एक छोटा सा ट्रिपॉड अपने लिए। तो मुझे ये जो फ़ोन को कहीं कहीं अटकाना पड़ रहा था बार बार, इसकी वजह से मेरा बहुत बार फ़ोन भी गिरा है। तो उसमें भी दिक्कत होती है, अगर फ़ोन टूट जाए तो फिर फ़ोन के बिना तो कुछ काम ही नहीं है आजकल। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा है अंदर से। तो मैंने इसे बॉक्स से निकाल लिया, इसका बॉक्स ऐसा है और जो ट्रिपॉड है वो भी छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब बड़ा तो ये बहुत हो जाएगा, इसको पूरा खोलेंगे, अभी दिखाती हूँ। ऐसा है ये, और मैंने इसे परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। तो ये मुझे मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है, मुझे ये 1000 के अंडर पड़ा है। तो समथिंग मतलब 1000 के आसपास है। तो ये देखिए, ऐसे इसको यहाँ पे मेरा वो फ़ोन जो है वो अटक जाएगा। इसको अगर आपको बड़ा करना है तो इसमें बहुत लंबी स्टिक है, तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। तो जिस हिसाब से मुझे चाहिए होगा जितना उसकी हाइट, तो मैं वैसा कर लूँगी। और ये रोटेट भी हो जाता है इधर उधर, और ऐसे बैंड भी हो जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा नीचे का दिखाना है तो उसको ऐसे कर लीजिए आप, और सामने अगर आपको रखना है ऐसे कर लीजिए। तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लग रहा है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं वीडियो को, और यहीं से आपको वीडियो को ऑफ करना है। और बाकी इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और स्टैंड को अगर आपको कहीं पे स्टैंड आपने अगर कहीं पे रखना है तो यहाँ पे देखिए नीचे ये दिख रहा है आपको। इसको किसी को भी एक को ऐसे स्टैंड को पहले आपको ऐसे खुलना होगा, ऐसे करके ऐसे कर लेना है। देखो ये सब खुल जाएंगे जितना भी इसको आप खुलना चाहेंगे, और ऐसे कहीं पे भी अटका के उसको, बाकी तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे। ये देखिए, तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं इसको रिटर्न कर देती हूँ, बट मेरा इससे काफ़ी अच्छा काम चलने वाला है। तो आज मैं पूरा दिन कोशिश करूँगी कि इसी से अपना वीडियो शूट करूँ, तो देखते हैं फिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। बाकी और टाइम तो मुझे फ़ोन को ऐसे लेके कहीं पे अटका के, इस वजह से मेरा इतनी बार फ़ोन गिरा है, तो फ़ोन पे भी मेरी जगह जगह स्क्रैचेस आ गए हैं इस वजह से। तो अब ये आ गया तो काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे। मैं छत पर आई हूँ मौसम देखने के लिए। मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, मज़ा आ रहा है एकदम। धूप भी नहीं है अभी थोड़ी देर में, लेकिन आज बारिश बताई है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश आए। मैंने कल से कपड़े धोए हुए हैं, कल मैंने दिन में धोए थे, उसके बाद से बारिश थी तो मैं कपड़े मतलब छत पे भी नहीं सुखा सकी। अभी शायद दीदी ने ही डाल दिए हैं वो कपड़े, मैं छत पे देखने आई थी तो दीदी ने कपड़े डाल दिए छत पे। आरू को देखो, पानी जमा हो जाता है हमारे यहाँ बारिश में। बच्चों को तो मज़ा आते हैं, लेकिन ये पानी सही नहीं है ना, इसमें मच्छर आने लगते हैं। फिर आरू आ जाओ, चलो। मौसम देखो, बारिश के बाद जो है कि कुछ ज़्यादा ही क्लियर दिखाई देता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि बस किसी ने शीशा साफ कर दिया हो जैसे। कपड़े डालने की सोची ही थी कि वापस से देखो बारिश हो गई है शुरू, तो वो कपड़े जो जहाँ रखे थे वो वहीं वापस रख देती हूँ, वरना वो भी भीग जाएंगे। और इतनी हवा चल रही, देखो चद्दर के उड़ने से पता चल रहा होगा, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत ही प्यारा। हमारे यहाँ से दिखाई भी बहुत अच्छा देता है जब ऐसा मौसम होता है, बारिश वाला बहुत प्यारा दिखाई देता है। चादर इतनी, देखो मैं दिखाती हूँ चादर कैसे उड़ रही है। हमारी दो मैडम यहाँ मजे से कार्टून देख रहे हैं और हम लोग बाहर बारिश में। तुम दोनों कौन सा कार्टून देख रहे हो? ये इनका कार्टून। आज शाम को बच्चों की एक फेवरेट मूवी आने वाली है, द गुड डायनासोरस, है ना? बहुत अच्छी लगती है इन लोगों को ये, मतलब इतनी पसंद है, इतनी फर्स्ट टाइम जब चैरी ने मूवी देखी तो चैरी मतलब रोती रही थी। उसमें उसका पापा जो है वो बह जाता है। मेरी आरू की भी अब वो फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि वो चैरी की जो है बस, जो चैरी को। तो दीदी ने बनाना शुरू कर दिया है दिन का लंच, वो बना रही है लंच में पुलाव, और मैंने सारा काम निपटा लिया है। तो मैं भी ऊपर आ गई हूँ बैठने, अभी दीदी और मैं थोड़ी देर में बनाएंगे गोंद के लड्डू।
वैसे मैंने बहुत पहले बनाए थे तो मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ, तो नेट में देख के बना लूँगी। तो जब मैं बनाऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। ये गोंद के लड्डू बन रहे हैं बड़ी वाली दीदी के लिए। मम्मी सारा सामान दे के गई थी तो मम्मी ने कहा था तुम लोग बना लेना, मम्मी के बस के है नहीं बनानी तो दीदी और मैं बना लेंगे। तो चावल साफ कर रहे हैं दीदी, पुलाव बनाएगी ना आधी भी मम्मा के साथ साफ करवा रही है। पुलाव बनाएगा पुलाव। तो मैं सारा सामान लेके नीचे आ गई हूँ, मखाने और इसमें सारा वो सामान है जो कि गोंद के लड्डुओं के लिए चाहिए होता है। और दीदी ने घी बना के रखा है, बिल्कुल देसी घी है गाय का। तो ये जो गोंद के लड्डू हैं वैसे देसी घी में ही बनाने चाहिए, और गाय का घी हो तो और अच्छा है। तो अभी मैं सारा सामान निकाल के दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। वैसे मुझे पता नहीं, वो मैंने शॉप वाले अंकल को बोल दिया था आप जो जो भी गोंद के लड्डुओं में डलता है वो आप मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से मुझे सारा सामान दे दिया था। तो सबसे पहले मैं इन सबको कर लूँगी फ्राई। तो फ्राई करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और सबको मुझे करना है अलग अलग फ्राई, सबको मिक्स नहीं करना है, वो बाद में होगा और उसमें मुझे टाइम लगेगा। अभी तो मैं सारी चीज़ों को जब फ्राई कर लूँगी तो उसके बाद आपको दिखाऊँगी और लड्डू बनते हुए तो दिखाऊँगी। तो मैंने तलना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने मखाने तल लिए हैं, अब एक एक करके मैं सारी चीज़ों को तल लूँगी। और फिलहाल मैं तल रही हूँ गोंद, तो ऐसे ऐसे करके मेरा सब कुछ हो जाएगा रेडी फटाफट। काफ़ी हद तक मैंने सब कुछ निपटा लिया है, बस थोड़ा सा रह गया मेरा, मतलब सब कुछ मैंने तल के मिक्स कर लिया है। बस 2 मिनट बाद मैं इसको बनाऊंगी। चीनी में भी बना सकते हैं लेकिन मैं गुड़ में बना रही हूँ तो गुड़ में ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी मैं गुड़ पकाऊंगी, उसके साथ जब उसको मिला लूँगी तो लड्डू तैयार होंगे। अभी दीदी भी आई थी, थोड़ा हेल्प उन्होंने भी करी, अकेले में तो बहुत टाइम लग जाता है। और पसीना देख रहे हो, मेहनत का पसीना है ये। एक तो होता है गर्मी का पसीना, ये है मेरी मेहनत का पसीना। तो बस थोड़ी देर में लड्डू रेडी होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। सारा हमने रेडी कर लिया है और सबको मिक्स कर दिया है, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतने हो गए हैं कंप्लीट। और इसमें हम दीदी ने गुड़ घोल लिया है, अब इसी में थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाते रहेंगे, दोनों करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अकेले में तो बहुत टाइम लगता है। अभी गुड़ थोड़ा गर्म है ना, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है इसलिए इसमें तो ये घुमाया नहीं जा रहा हमसे, और गर्म भी बहुत हो रहा है इसमें, घुमाया जाएगा। इसको हम मिलाएंगे देसी तरीके से, मतलब हाथ से, तो ये करछी वर्छी से नहीं होता ये सब, ये तो बोलने की बात है, सब करना हाथ से ही पड़ता है। रेडी हो गया हमारा मसाला, थोड़ा मीठा कम लग रहा है तो थोड़ा सा गुड़ को और पका के इसमें डालेंगे, मेल्ट करके उसको पिघला के मतलब डालेंगे, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, फिर थोड़ा मीठा तेज हो जाएगा। तो अब फाइनली हमने दोबारा से इसमें गुड़ घोल के डाल दिया है और अब इसे फटाफट मिक्स कर रहे हैं, वरना गुड़ ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनने में हो जाएगी दिक्कत। तो हम दोनों हलवाई की तरह फटाफट बनाने के, दोनों लड्डू दोनों हाथ से, ये जुक 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 जुक, बहुत गर्म हो रहा है, हमारा हाथ ना जल जाए, पर लड्डू नहीं बन पा रहा। बाहर तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और अंदर बन रहे तूफानी लड्डू, गरम गरम हो रहे एकदम, है ना, कितने फटाफट हो रहे और गरम भी इतना। दीदी पूरी मेहनत से लड्डू बनाने में जुटी हुई है। ओ माय गॉड, मैं तो दोनों हाथों से बना रही हूँ, वो हलवाई वाली फीलिंग आ रही मुझे। जब पूरे लड्डू बन जाएंगे उसके बाद दिखाएंगे, जब पूरे लड्डू बन जाएंगे ना तो उसके बाद खिलाएंगे आपको, दिखाएंगे आपके थोड़ा बेबी हुआ है। जब मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक 3 घंटे हो चुके हैं लगभग, देखा कितनी मेहनत लगती है, लेकिन कोई नहीं, कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो बहुत ही मीठा होगा। और एक बात और, इसने मेरे कपड़े डाल दिए, मैं सुबह अंदर ले आई थी कि बारिश बंद हो गई है और इसने सोचा बारिश बंद होगी तो अब तो आएगी नहीं, और डाल दिए। जैसे जैसे मसाला ठंडा हो रहा है तो लड्डू बंद नहीं रहे, एक परात बन गया, पर एक परात अभी दिखाऊंगी मैंने कितने लड्डू बनाए, ऐसे भी चल जाएंगे आधा, अगर नहीं बने तो फिर आधे तो ऐसे भी चल जाएंगे, जैसे होता है ना उसका क्या बोलते हैं चूरमा, जितना ठंडा होता है उतने बन नहीं पाते, बस गरम गरम में बन जाते फटाफट, गरम गरम में, वो फटाफट गरम था ना गुड़ जब तक वो ठंडा हो रहा, तो
आधा तो खैर ऐसे भी खाया जाएगा, मैंने तो ऐसे ही वाला खाया था, लड्डू वाला नहीं खाया था अपने टाइम पे, मैंने खाया था वो जो पंजीरी वाला होता है वो खाया था मैंने। जितने बन जाए लड्डू ठीक है, वरना पाउडर ही चल जाएगा। लड्डू का हिसाब ये है ना कि एक लड्डू रोज का। इतने लड्डू कंप्लीट हो गए हैं मेरे, और एक ये प्लेट है और एक ये है, अभी थोड़ा बहुत बचे हुए हैं वो दीदी बनाने पे लगी है, थोड़ा बच भी जाएगा तो कोई नहीं, बाकी हमारा सारा कंप्लीट है। बाकी पंजीरी खा लेंगे, बाकी पंजीरी हो जाएगी। हाँ तो हमने सोचा था थोड़े जो बचेंगे उसकी पंजीरी हो जाएगी, लेकिन बहना ने कोई मौका नहीं छोड़ा और सबके लड्डू बना दिए। देखो मंजू ने मानी हार और मैंने बना दिए पूरे लड्डू। देखिए मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा अब लास्ट का ही बना ही सकती है, इतने मैंने लगभग तो सब कुछ ही करा, तो मैंने कर दिए पूरे, तो लड्डू पूरे कंप्लीट हो गए। तो बस थक गए, बहुत टाइम लगा, पूरे 4 घंटे हो गए मैं बनाते बनाते, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से बनाया, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, पूरे तरीके उसको फ्राई करके भून जो भी करना होता है, मैंने थोड़ा बहुत मतलब नेट से देख के बनाया क्योंकि मैं भी भूल गई थी। हमारा सबसे छोटा लड्डू लास्ट में, ये देखिए लास्ट में सबसे छोटा, ये आरू खाएगी, वो पीछे पड़ी थी कि मुझे भी लड्डू खाना है, पूरा हो गए पूरे कंप्लीट। ये देखो तो काफ़ी सारे लड्डू हमारे बन गए हैं, लेकिन टाइम भी बहुत लगा इन्हें बनाने में ना। चलो ठीक है, अब इनको पैक करते हैं डब्बे में। तो लड्डू हमारे सारे कंप्लीट बन गए और बहुत टाइम लगा, फिर इनको अब ठंडे होने के बाद ही अच्छे से पैक करेंगे डब्बे में, तब भिजवाएंगे दीदी के लिए। अब जो मैंने सारा किचन नहस तहस कराया, मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ, उसमें भी टाइम लग जाएगा, बहुत सारे बर्तन जूठे हो गए हैं ना, किसी में घी है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, बहुत सारा, तो मैं पहले अपना पूरा किचन साफ़ कर लूँगी, वरना मेरा ही काम बढ़ेगा, तो पहले मैं पूरा किचन साफ़ कर लूँ। तो मैंने पूरा काम कर लिया है अपना कंप्लीट, और मैं फिर से आ गई हूँ छत पे, बारिश रुक गई है, ये देखो, लेकिन वाह क्या नज़ारा है, बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं छत पर जाके देखती हूँ सबसे ऊपर क्या हाल है वहाँ का, तो अभी चलते हैं ऊपर। मैं आ रही हूँ छत पे और बच्चों को बिना बताए मैं आई हूँ, वरना वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गदर मचा देते हैं, पूरी छत पे पानी पानी हो रखा है, और बहुत टाइम से मैं नहीं छत पे भी नहीं आई हूँ। देखो मैंने दिखाया था ना मेरे एक नींबू का पेड़ है, देखो पूरा झुक गया है क्योंकि उस पर नींबू नींबू आ गए हैं, तो वो भारी हो गया उसके वजन से, वो पूरा नीचे झुक गया है, और ये वाला तो पूरा ख़राब हो गया है मेरा, पूरा लहसुन लगाए थे मैंने निकाल दी पूरे, काफ़ी एक टोकरी लहसुन हुआ है मेरे केवल इन गमलों में, तो गमलों में एक टोकरी लहसुन भी बहुत होता है। छत पे पानी पानी हो रहा है तो मैं भी नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि कहीं पे बैठ भी नहीं सकती, पूरा ऐसी हो रहा है छत, तो चलते हैं नीचे। तो सारा काम निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब शाम भी हो गई है, फिर से शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, और कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, तो आपसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी। ये बच्चे जो हैं बहुत शोर करते हैं, बिल्कुल भी चुप नहीं होते हैं, बात नहीं मानते हैं, और डांट दो तो बस। तो आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।